मडवास बिजली कार्यालय पर आज व्यापारियों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर मांडवास सीधी रोड पर चक्का जाम कर दिया। मडवास में आज चार दिन से लगातार बिजली गुल होने के कारण यहां के व्यापारी और ग्रामीण एकत्रित होकर बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव कर रोड जाम कर दिया। आपको बता दें कि चार दिन से मंडवास में बिजली नहीं है, जिसके चलते लोग बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव कर नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सीधी कलेक्टर से झूठ बोलते हैं कि सारी रात बिजली थी, जबकि 24 घंटे में मात्र 20 मिनट बिजली थी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चार दिन से लाइट नहीं आने के कारण हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसमें बिजली विभाग लापरवाही के साथ काम कर रहा है। अब हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं बचा है कि हम इसके अलावा कुछ और करें। बिजली विभाग जो है सीधी कलेक्टर महोदय गलत जानकारी दिए थे, सारी रात लाइट थी, जबकि यहाँ 24 घंटे मात्र 20 मिनट लाइट आई थी, और ये जानकारी शायद आपको भी है, इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे कलेक्टर साहब ने ही बताया कि उनको जानकारी थी कि यहाँ रात भर लाइट थी। मैंने उनको जानकारी दी कि यहाँ सिर्फ रात में लाइट 20 मिनट के लिए आई, तो अब वो ये सूचना कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो तो अब उनको पता होगा कि कहाँ से उनको ऐसी गलत सूचना मिली। पर ये उचित नहीं है, अगर जो ऐसी गलत सूचना किसी इतने वरिष्ठ अधिकारी को दी जाती है तो बहुत गलत। 5 दिन से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और लाइट के लिए काफी परेशान हो रहे हैं, इसमें विभाग की लापरवाही समझें या किसी और की? अब इसमें मौसम के कारण कई इंसुलेटर गए, लाइटनिंग जब होती है, बिजली गिरती है, हमारे इंसुलेटर खराब हो जाते हैं, और उसमें कभी लाइन 1 घंटे चली, फिर दूसरा गड़बड़ हो गया, फिर 1-2 घंटे चली, फिर गड़बड़ हो गया, तो कंटिन्यूस नहीं बन पाई। शुरुआत के जो बरसात होती है वो बिजली गिरती है, तो शुरुआत में परेशानी आती है, फिर बाद में यथास्थिति स्थिर हो जाती है। सर, बिजली विभाग द्वारा कलेक्टर महोदय सीधी को गलत जानकारी दी जाती है कि सारी रात लाइट थी, जबकि हकीकत यहाँ 24 घंटे मात्र 20 मिनट लाइट थी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे तो बताया गया कि ये सवा चार बजे तक लाइट थी, ट्रिप हुई है, वो जानकारी उसके हिसाब से मैंने ग्रिड से लेकर। आप परमानेंटली क्या आश्वासन दे के जा रहे हैं? लाइट सही रहेगी। सर, ये कितने दिन लगेगा लाइट सही होने में? क्या ऐसे शुरुआत बरसात के शुरुआत में परेशानी होती है कुछ, फिर इसके बाद जो स्थिर हो जाती है, ये सब चीज बरसात तो लाइन भी वो अभ्यस्त हो जाती सर, है। सर, बिजली विभाग में इतने कर्मचारी हैं कि 24 घंटे में भी लाइट फॉल्ट सुधारा जा सकता है, लेकिन सर आज 4 दिन हो गए। नहीं, देखिए, ये लाइटनिंग का जो इंसुलेटर ब्रेक डाउन होता है, ये थोड़ा कठिन काम होता है, विभिन्न लोकेशन में होता है, कठिन काम होता है, तो इसमें समय लग जाता है।